वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 का ये आखिरी क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मजेदार है और ये कुछ एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप प्लेलिस्ट खोल करके देखिए, ट्रिक के साथ आपको फॉर्मूला दिया गया है। अगर बेहतर रिजल्ट करना है तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। यहां देखिए, एक साबित करना है, लास्ट क्वेश्चन है 5 का 10 नंबर। बताया था कि 10 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है इसी से आता है, 10 क्वेश्चन से। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, यहां समझिए। इसको देखिए, लिखा इतना बराबर इतना, मतलब इसको बना के ये लाइए या फिर ये लाइए। कोशिश कीजिए कि इसको बनाने के बाद ये आपका आंसर आ जाए। एक बात बताइए, 110 के साथ किसी फॉर्मूला में आप देखे थे, आपको फॉर्मूला का ट्रिक बताए थे, आपको एक क्वेश्चन याद नहीं कर देंगे। अगर 2, 3 और 4, 5 का भी बच्चा होगा ना, वो भी फॉर्मूला का ट्रिक समझ जाएगा। यहां देखिए, 110 के साथ कब होता है तो याद कीजिए, sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। बताया था कि मामला को सेट कर दो, तो से हो जाएगा sec स्क्वायर और t से हो जाएगा tan स्क्वायर, स्क्वायर ग्रुप का था, ठीक है। तो ये sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, वैल्यू 1। यहां देखिए, जबकि यहां पे 1 और 10 साथ में है, तो एक काम कीजिए, माइनस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, 10 प्लस में। अब बताइए, 1 + 10² ए साथ में हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो हम चल रहे हैं LHS से, 1 + 10² ए और बट्टा 1 + cot² ए, ठीक है। 1 + 10² हो जा रहा है sec स्क्वायर ए और बट्टा, इधर देखिए ध्यान से समझते रहिए, और ये हो जाएगा 1 + cot होता है cosec स्क्वायर ए, क्या होता है cosec स्क्वायर ए। और sec थीटा आपको लाना क्या है, 10 के टर्म में लाना है। आप बताइए 10 के टर्म में कैसे आएगा, आखिर दिमाग क्या लगाना है कि 10 आ जाए। तो एक ही देखिए, हम तो बता दे रहे हैं कि 10 कैसे आएगा, आपके दिमाग में ये बात कैसे जाएगा कि इससे हमको 10 कैसे मिलेगा। तो एक उपाय बताइए, 10 का फॉर्मूला क्या क्या होता है, 10 का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये भी तो एक फॉर्मूला होता है ना। तो आप कोशिश कीजिए इस बात को लेकर के कि क्या साइन कॉस या मतलब कॉस या साइन बदल सकता है, सेक कॉसेक बदल सकता है इस रूप में, तो ये बदल सकता है कैसे, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा, ए है तो ए लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, और इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा sin² a। ऊपर जब ये 4 बट्टा में दिखता है तो एक ट्रिक बताए थे कि ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे होता है, तो एक काम कीजिए आप ऊपर नीचे ऊपर कर दीजिए, तो साइन और 1 ऊपर चला जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होता है, और बीचे बीचे नीचे आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब बताइए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता क्या है, होता है 10 थीटा, क्या होता है 10 थीटा, नहीं ए लिखिए, दोनों में स्क्वायर है ना, स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब बताइए कि इससे चल के हम ये ला दिए कि नहीं, तो यहाँ क्या आ गया, आर एच एस आ गया, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये कैसे आ जा रहा है, क्योंकि दिमाग में रखिए कि लाना क्या है, आप कोशिश कीजिए कि ये जितना भी साइन कॉस है उधर ही उसी साइड जाए, जब ये उसी साइड जाएगा फॉर्मूला से रिलेशन जोड़िए। आपको नाता रिश्ता जोड़ने में बताए थे, अगुवाई भी पढ़ाए थे आपको बहुत ही मजेदार तरीके से, आप एक एक क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति से आप खेलना सीख जाएंगे, खेलना जैसे कंचा खेलना सीखे ऐसे ये भी सीख जाइएगा। अब हम काम करते हैं, इसको बनाते हैं, इसको बना के ये ला देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए हम इस LHS से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, LHS है 1 - 10a और बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर, यही है। इसको चल के हम लोग RHS ला दे रहे हैं कैसे, पहले लिख दीजिए 1 - 10θ का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, साइन ए बटा 1 - 10θ का फॉर्मूला होता है 1 - sin θ बटा कॉस थीटा और बट्टा, ये 1 - cot का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा होता है। अब देखिए तो लग रहा है ना कि ये बट्टा का घटाव है, तो एक काम कीजिए कॉस में 1 से गुणा तो क्या हो जाएगा, कॉस आई घट जाएगा, यानी आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट्टा 1 मान के घटाव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट LCM इसका क्या होगा, कॉस ए और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए और बट्टा, ये आपका हो जाएगा, फिर इसका थोड़ा सा बट्टा का घटाव कर लीजिए, तो जब इसका कीजिएगा तो हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा साइन ए और माइनस में कॉस ए,
इस कंडीशन को आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, इस कंडीशन को, ये अलग कंडीशन आपका है पूरा, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया इसको तोड़े हैं और एक वाला ये हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। एक ट्रिक बताए थे कि ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे हो जाता है, तो इसमें क्या कीजिएगा, ये ऊपर है ये नीचे है, ये दोनों चला जाएगा ऊपर, यानी कि साइन ए और यहां पे हो जाएगा ऊपर ये है, तो ऊपर और नीचे ऊपर चला गया और माइनस में साइन ए, और दोनों बीच वाला कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कैसे बीच वाला को नीचे कीजिएगा, ये दोनों बीच वाला है ये वाला दोनों, तो ये दोनों आ जाएगा बीच में, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस यहां पे इनटू हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। आई दोनों का उस समय से क्या छूट रहा है, स्क्वायर छूट रहा है, क्या छूट रहा है, स्क्वायर छूट रहा है, ये आप स्क्वायर देते रहिएगा, ठीक है। अब बताइए आपको लाना क्या है, इससे चल के हमको टेन लाना है, यानी एल एच एस ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाला आना चाहिए, राइट वाला आना चाहिए, ठीक है। तो जो स्क्वायर है ये तो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो एक बार दोनों को पर्सनल स्क्वायर अपना अपना स्क्वायर दे दो, तो ये ले लेगा साइन अपना स्क्वायर, अपना हिस्सा ले लिया तो बन गया साइन स्क्वायर ए, ये वाला भी अपना हिस्सा ले लेगा तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, और बट्टा ये देखिए ये क्या हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर, ये भी अपना ले लिया पर्सनल, और यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। इतना तो आराम से हो गया। अब प्रश्न आप बताइए, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, आ स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा हो रहा है, अगर ये कट जाएगा दोनों तो आराम से ये टेन आ जाएगा। तो क्या उपाय करेंगे कि ये कटेगा, ठीक है, तो उपाय करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, माइनस। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे, यहां देखिए साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, यहां पे जब हम करेंगे यहां पे ऊपर लिख देते हैं कॉस ए माइनस साइन ए। कोशिश क्या करना है, यहां पे देखिए यहां पे साइन माइनस में है, यहां पे साइन प्लस में है, यहां कॉस प्लस में, यहां माइनस में है, और दोनों एक जैसा नहीं हो रहा है, इसको एक जैसा होने से नहीं होता है, जो माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, तो अगर इसमें माइनस से गुणा कर दे या माइनस बाहर निकाल दे, माइनस के बारे में बताए थे बड़ी पनौती है, ठीक है, अगर माइनस बाहर निकाल देते हैं तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, जो उल्टा हो जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में, जो माइनस में होता है वो प्लस में, तो बताइए कॉस किस में है, माइनस में, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में होगा तो इसको आगे लिखना, अच्छा लगने के लिए आगे लिखते हैं, ठीक है, आई प्लस में उधर जाएगा तो इसमें मतलब उधर नहीं जाएगा, कॉमन नहीं है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर अभी रहने दो, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया कि नहीं, देखिए ये और ये सेम हो गया, आई माइनस को अगर कॉस के साथ रखिएगा आप, देखिए इससे ये कट गया, पहले इसको हटा दे, बराबर कर दिए, और यहां पे बच गया साइन स्क्वायर ए अब बटा, ये माइनस किसके साथ आ जाएगा, माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए के साथ, और जब कॉस स्क्वायर ए को स्क्वायर कीजिएगा तो दो बार जब माइनस लिखाता है, स्क्वायर करने का मतलब क्या लिखना, दो बार लिखना, तो कॉस को दो बार लिखिएगा ऐसे कॉस ए इंटू कॉस ए, लेकिन दोनों माइनस में, तो ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, लेकिन माइनस माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अब बटा ये प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, तो ये आ गया आर एच एस। आपको पूरा बना लीजिएगा, यहीं पे जाके फंसिएगा कि ये दोनों सेम कैसे होगा, दिमाग में इतना रख के जब चलिएगा ना कि जब साइन और कॉस मिला के टेन हो जा रहा है तो काटना इसी को, अगर ये खत्म हो जाएगा तो बस लिख देंगे, तो इसी में से सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन लीजिए, सब जब सेम आ रहा है, सिंबल बदलने के लिए खाली माइनस को कॉमन ले लेना है, ठीक है, ये इसके साथ आके दो बार हो गया, तो इस हिसाब से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी बहुत ही आसान था, थोड़ा थोड़ा करके आपको बनाना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले लेसन में, लेसन 9 जो त्रिकोणमिति का अनुपयोग है, इसको इसलिए हम लोग बेहतर तरीका से 9 लेसन को पढ़ेंगे क्योंकि उसमें से 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, अब मल्टीपल चॉइस का भी आता है, लेकिन इतना आसानी तरीका से पूरा लेसन में 2 लेसन ही सबसे आपको आसान लगेगा और वो लेसन होगा 8 और 9, ये हम लिख के देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहिए ज्ञापन एकेडमी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।